यूपी के फिरोजाबाद में सड़क पर मारपीट का वीडियो आया सामने। नशे की हालत में बुरी तरह लड़ते नजर आए दो लोग। ग्रेटर नोएडा में यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में पुलिस और गौ तस्कर गैंग के बीच हुई मुठभेड़ एनकाउंटर में जख्मी हुआ 25,000 का इनामी बदमाश बिट्टर अली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में यूनिवर्सिटी कैंपस में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने दो छात्राओं को मारी टक्कर, हादसे का वीडियो वायरल, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। राजस्थान के अलवर में बीच सड़क शख्स की हत्या, कार सवार व्यक्ति ने रॉड से मार मार कर ली जान, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। विवाद में दो पक्षों में हुई फायरिंग, मौके पर पहुंचे एसएचओ को लगी गोली, अलीगढ़ किया गया रेफर। उड़ीसा की संबलपुर बस में स्कूटी को मारी टक्कर, एक्सीडेंट की वजह से स्कूटी चालक की हुई मौत, नाराज परिजनों ने सड़क पर किया संग्राम। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या का मामला, कारोबारी अभिजीत ने दिव्या की हत्या का गुनाह कबूला। मॉडल की हत्या के आरोपी अभिजीत से पूछताछ में खुलासा, दिव्या के पास थी आरोपी की आपत्तिजनक तस्वीरें, ब्लैकमेल कर वसूलती थी पैसे। दो जनवरी को गुरुग्राम के होटल में मिले थे मॉडल दिव्या और आरोपी अभिजीत का दावा, दिव्या से होटल में फोन से तस्वीरें डिलीट करने के लिए कहा गया था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपियों की संपत्ति की जब्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ और मेंढर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधियों के कारण तलाशी अभियान। श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में दोषियों को फांसी की सजा, साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 28 जुलाई 2005 को ट्रेन में हुआ था ब्लास्ट। दोस्त को जिंदा जलाने की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा, 2019 में मेरठ में दोस्त की हत्या कर प्रेमी के साथ फरार हुई थी महिला। बिहार के पूर्णिया में बाइक सवार तीन बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, बीच सड़क युवक की मां के सामने दिया घटना को अंजाम। एमपी के मुरैना में जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में लगी भीषण आग, 44 बच्चों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में मिले तीन शव, एक ही परिवार के सदस्यों की बॉडी जब्त, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। हैदराबाद के होटल में ग्राहकों से मारपीट का मामला, विधायक टी राजा सिंह ने होटल के मालिक और स्टाफ के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। राजस्थान के बांसवाड़ा में सख्त हुई पुलिस, व्यापारी पर गोलीबारी के आरोपी को हिरासत में लेकर बीच बाजार निकाला गया जुलूस।
राम मंदिर पर भड़काऊ पोस्ट का आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार। एटीएस ने झांसी के रहने वाले जिब्रान मुकरानी को किया अरेस्ट। हजार साल तक रामलला के घर का नहीं होगा बाल भी बांका। मंदिर बनाने में ली गई है सीबीआरआई रुड़की की सलाह। भूकंप से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किए गए उपाय। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेपाल में भी जश्न का माहौल। माता सीता के मायके जनकपुर में उपहार भेजने की चल रही है जोरदार तैयारी। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में भोपाल की कीर्तन मंडली करेगी परफॉर्म। मंडली के 108 सदस्य ढोल नगाड़े और डमरू के साथ रामलला के सामने देंगे प्रस्तुति। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा की किताब कार सेवा से कार सेवा तक में लिखी कार सेवकों की अनसुनी दास्ता। अयोध्या में कार सेवा के दौरान मौजूद थे गोपाल शर्मा। स्वाति मिश्रा के श्री राम भक्ति गीत के मुरीद हुए पीएम मोदी। सोशल मीडिया पर किया शेयर, लिखा मंत्रमुग्ध करने वाला है भक्ति से भरा ये भजन। बरेली की जरी के वस्त्र पहनेंगे रामलला। तीन तलाक पीड़ित महिलाएं अयोध्या धाम को देंगी भेंट। 30 दिलों से जुटा रही हैं चंदा। राम भक्तों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार हुई अयोध्या। रामपथ के प्रवेश द्वार पर बनाया गया है अद्भुत स्टैचू। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले और कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। हाईटेक ड्रोन्स के जरिए भी किया जाएगा सर्विलांस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं लेकिन धर्म एक ही है और वो है सनातन। सीएम योगी ने कहा दिवाली अयोध्या में ही मनाऊंगा। अयोध्या में बना रहा है भगवान राम का भव्य मंदिर। 500 साल बाद भगवान अपने मंदिर में होंगे विराजमान। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा 22 जनवरी को मनेगी सदी की सबसे बड़ी दिवाली। महाराष्ट्र में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शराबबंदी और मांस बंदी की मांग। बीजेपी नेता राम कदम ने सीएम एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी। भगवान राम को लेकर शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवाड़ का विवादित बयान, कहा भगवान राम क्षत्रिय थे और मांस खाया करते थे। राम मंदिर पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा पीएम मोदी ऐसा दिखा रहे हैं मानो उन्होंने राम के लिए घर बनवा दिया। क्या भगवान को मोदी जी की जरूरत है। राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा राम मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं, राम हम सबके हैं। बीके हरिप्रसाद के बयान पर भड़के बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा, कहा हरिप्रसाद को किया जाए गिरफ्तार, साजिश रचने का लगाया आरोप। बीके हरिप्रसाद पर बोले बसवराज बुम्मई, कहा ऐसे बयान से राम भक्तों में डर पैदा करना चाहते हैं बीके हरिप्रसाद, ये बस कांग्रेस का माइंडसेट दर्शाता है।
सीटी रवि ने हरि प्रसाद के खिलाफ जांच की मांग की, कहा गोधरा जैसी घटना की जानकारी कहां से मिली, किस संगठन ने दी, सब पहलू पर इंक्वायरी हो। सिद्धरमैया के बेटे यतीन्द्र ने कहा संविधान ही हमारा धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए, संविधान ने दिया समान अधिकार। सिवान में लवकुश रथ यात्रा का भव्य स्वागत, लोगों ने फूलों की बारिश की, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा शहर। ज्ञानवापी मामले पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का मामला पर आज आएगा फैसला, वाराणसी के जिला कोर्ट ने दी है आज की तारीख। जम्मू में सिखों ने निकाला नगर कीर्तन, गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर कीर्तन का आयोजन। दिल्ली में एक और भ्रष्टाचार केस की सीबीआई करेगी जांच, 223 करोड़ के घपले के मामले में एलजी ने दी मंजूरी। सुखबीर सिंह बादल ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा ईमानदार तो ईडी से क्यों बच रहे हैं केजरीवाल, आपने दिल्ली पंजाब में किए सबसे बड़े घोटाले। केजरीवाल के पेश होने नहीं होने पर अनिल विज का बयान, कहा केजरीवाल चाहते हैं ईडी जबरदस्ती पकड़ कर ले जाए ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुबह सुबह गिरफ्तार हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल, आप नेता आतिशी का बड़ा दावा, कहा आज सीएम आवास पर छापेमारी कर सकती है ईडी। सीएम केजरीवाल को ईडी से मिल रहे नोटिस का मामला, आज से दिल्ली में जन संवाद कार्यक्रम करेगी आम आदमी पार्टी, चार दिन में 24 लाख घरों तक जाकर करेगी राय शुमारी। दिल्ली शराब घोटाले का मामला, सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल को चौथी बार नोटिस भेजेगा ईडी, हिरासत में लेकर पूछताछ करने का भी है ऑप्शन। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के कई करीबी अधिकारियों कारोबारियों के यहां ईडी की रेड, रांची में आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। रांची में हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद पर भी ईडी की छापेमारी, स्त्री को बुलाकर अभिषेक के घर पर खुलवाया गया लॉकर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए जेल खुले हैं। झुंझुनू में गोगा मेड़ी हत्याकांड मामले में एनआईए की रेड, टीम ने अशोक मेघवाल को किया गिरफ्तार, कई हथियार बरामद, रोहित गुदारा के संपर्क में था अशोक। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के मामले में एनआईए ने राजस्थान और हरियाणा में 31 जगहों पर की छापेमारी, अब तक कुल 9 लोगों को किया जा चुका गिरफ्तार। सीएए को लेकर नाना पटोले का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी चुनाव के दौरान अशांति का माहौल पैदा करती है। रांची में कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक, सीएम आवास पर बैठक में मौजूद रहे जेएमएम और कांग्रेस विधायक। विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, किसी हालत में इस्तीफा नहीं देने की घोषणा की, सूत्रों के हवाले से खबर।
नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की खबरों पर बोली एनसीपी नेता सुप्रिया सुले। कहा, नीतीश सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन, 7 जनवरी से अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगी चुनाव आयोग की टीम। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी का रोड शो, रोड पर समर्थकों का जमावड़ा, लोगों ने किया भव्य स्वागत। पेट्रोल डीजल पर चंडीगढ़ प्रशासन ने वापस लिया नोटिफिकेशन, बाइक को 2 लीटर पेट्रोल और कार को एक बार में 5 लीटर पेट्रोल का फैसला था। ईरान के करमान में भीषण धमाका, अमेरिका द्वारा 2020 में मारे गए जनरल के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान हुआ ब्लास्ट, हजारों की संख्या में मौजूद थे लोग। ईरान में धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की गई जान, 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। जर्मनी में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, नदियों का जल स्तर बढ़ा, घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए लोग। इंग्लैंड में भीषण बारिश के चलते डूबे शहर, सड़कों पर सैलाब, रोड पर चलती दिखी बोट। दक्षिणी जापान के कोकुरा रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग, मौके पर मौजूद रही दमकल की 20 गाड़ियां। जापान में 1 जनवरी को आए भूकंप के बाद अब तक तबाही का मंजर, प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 62 लोगों की मौत की पुष्टि। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, कई इलाकों में बढ़ाई गई सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती। इजरायल ने गाजा पट्टी में किया स्ट्राइक, हमास के ठिकाने ध्वस्त करने का वीडियो जारी किया। गाजा पट्टी में राफा के पास इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमले की चपेट में आने से 3 की मौत।